देश में कोरोना के कम हो रहे मामलों को देखते हुए स्कूल कॉलेजों को खोलने का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई राज्यों में तो कॉलेज शुरू भी हो कर दिए गए हैं और अब इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने भी प्रदेश में स्कूलों और कॉलेजों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। राजधानी में 1.5 साल बाद आज से एक बार फिर से सभी स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे और हालांकि स्कूलों को ध्यान में रखना होगा कि एक बार में 50% से अधिक उपस्थिति नहीं हो। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी आज से ही सभी कक्षाओं के लिए स्कूल और कॉलेज खुलने के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि स्कूलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कक्षाएं हाइब्रिड तरीके से चलाई जाए, जिसका मतलब है कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी और स्कूल खुलने पर किसी भी माता पिता को अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि ये भी सुनिश्चित करेगा कि इसके सारे स्टाफ जो है वो वैक्सीन लगा चुके हों। और बता दें आपको ये भी कि प्रदेश में करीब 98% शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी टीके की कम से कम एक खुराक ले चुके हैं। इसके अलावा आज से ही सिनेमा घरों को पूरे क्षमता के साथ खोले जाने की घोषणा भी कर दी गई है। वहीं दिल्ली में भी 100% सिटिंग कैपेसिटी के साथ ही सिनेमा घर थिएटर और खुल चुके हैं। इससे पहले सिनेमा घरों को सिर्फ 50% मीटिंग सीटिंग के साथ ही खुलने की अनुमति थी। दरअसल कोरोना के लगातार कम होते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने आज से प्रदेश में छूट बढ़ाई है। नए दिशा निर्देश के अनुसार शादी समारोह या फिर किसी गैदरिंग में भी 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। अभी तक 100 की अनुमति थी। और आपको ये भी बता दें कि हालांकि रेस्टोरेंट बार और भी कई जगह पर 50% क्षमता के साथ ही संचालित किए जा सकेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्य न्यूज।